आज ओके सो एक नया एनएफओ कोटेक म्यूचुअल फंड द्वारा लाया गया, जिसका नाम है कोटेक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक इंडेक्स फंड। तो बेसिकली एक एक इंडेक्स है निफ्टी एनएसई का, जिसका नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक इंडेक्स। यानी कि ये वो एक इंडेक्स है जिसमें कि भारत की नामी गिरामी फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, मगर जिसके अंदर बैंक्स इंक्लूड नहीं है। हम अभी भी बात करते हैं किसी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो हमेशा हमें बैंक्स की याद आती है कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर अच्छा है, स्टॉक एसबीआई का अच्छा है, या एचडीएफसी बैंक का अच्छा है। मगर इसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, जो कि अपने आप में एक अच्छे साइज की हैं और काफ़ी ग्रो कर रही हैं। जैसे कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड फ्यू अदर नेम्स, यू नो। तो इस तरह के एक एरिया को कैप्चर करने के लिए एनएससी ने ये एक इंडेक्स बनाया है, ताकि हम बैंक्स को हटा के बाकी जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको ट्रैक करा जा सके। तो यह जो एनएफओ है ये उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर आधारित है। तो ये एक अपने आप में एक इंडेक्स फंड होगा, यानी कि जो भी स्टॉक्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स में होंगे वही स्टॉक इस आपको स्कीम में भी मिलेंगे, और उसी वेटेज में मिलेंगे जिस वेटेज में वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में है। यानी कि लेट सपोज बजाज फिनसर्व का जो वेटेज है वो इस इंडेक्स के अंदर लेट सपोज 20% है, तो आपकी भी जो स्कीम है वो 20% अपना जो पैसा निवेश करेगी वो बजाज फिनसर्व के स्टॉक में करेगी। यह सेबी का दिया डायरेक्टिव है जब हम किसी इंडेक्स फंड की बात करते हैं। तो उसी तरह से यह स्कीम कम्प्लीटली उसको रेप्लीकेट करेगी उसी फॉर्म में, इसलिए यह स्कीम स्पेसिफिकली उन निवेशकों के लिए अच्छी मानी जा सकती है जिन लोगों ने ऑलरेडी बैंक निफ्टी या बैंक्स का कोई फंड ले रखा है, स्कीम ले रखी है, और वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अपना हॉरिजॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और बढ़ाना चाहते हैं, मगर बैंक्स के हटा के, क्योंकि ऑलरेडी बैंक्स में इन्वेस्टेड है, या फिर जिनको लगता है कि बैंक्स को हटा के बाकी फाइनेंशियल वर्ल्ड अच्छा करेगा। बट ऐसी डायरेक्शन कम होती है किसी भी सेक्टर यानी फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रोथ में, बैंक्स के बिना आप नहीं ग्रो कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिकली फंड उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों का ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में एक्सपोजर है और वो अपना एक्सपोजर फाइनेंशियल सर्विसेज में और बढ़ाना चाहते हैं मगर बैंक्स में नहीं। तो थोड़ा थोड़ा इसमें एक बार एक देख लेते हैं कि कितनी कितनी वेटेज है किसी पर्टिकुलर नो स्टॉक्स। देखिए ये इनके टॉप 10 स्टॉक्स हैं। तो बजाज फाइनेंस का वेटेज है 21% का, यानी तकरीबन एक पाँचवा हिस्सा उसका है। बजाज फंड्स फिनसर्व 10%, एचडीएफसी 8%, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 6.5%, श्रीराम फाइनेंस 5%, चोलामंडलम 5%, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 3-4%, बजाज होल्डिंग 3%, पावर फाइनेंस 3% और एसबीआई का 2.5%। तो बेसिकली और इनका एक सेक्टर के ना सब सेक्टर ब्रेकअप है कि एनबीएफसी में तकरीबन 40% इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस में 20% कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी में 15% कर रहे हैं। तो ये इसका जाके पूरा ब्रेकअप है। बाकी इस स्कीम में अगेन कुछ भी मतलब ऐसा नहीं जो आपको समझ समझाया जाए, आपको समझना चाहो। मेन ये है कि अगर आपका झुकाव फाइनेंशियल सेक्टर में है और आपको लगता है कि सेक्टर आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा और आपने ऑलरेडी कोई बैंकिंग स्कीम ले रखी है, तो आप यह स्कीम भी लेकर अपने आप को थोड़ा तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर दिस पर्टिकुलर फंड इज़ बेस्ट सुटेड फॉर। और इसका जो बेंचमार्क है जिसे बताया है तो वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक इंडेक्स ही है। SIP 5,000 से शुरू हो जाती है, 500 से शुरू होती है, लमसम जो है 5,000 तक या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।